नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके चलते उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से ये जानकारी दी गई। बताया गया है कि उन्हें कोरोना के बाद कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या बढ़ाने के बाद उन्हें रविवार सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी दी कि उनकी हालत स्थिर है, उन्हें कुछ दिन डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। बता दें, दूसरे दिन कोरोना के 8000 से ज्यादा मरीज मिले। शनिवार को 8582 केस मिले और एक की मौत हुई। वहीं सबसे ज्यादा 2922 केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। वहीं बात करें केरल की, तो केरल में 2471 और दिल्ली में 795 केस सामने आए। देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 43,128 रही। शनिवार को देश में कुल करीब 3,00,000 कोविड टेस्ट किए गए। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 2.71% दर्ज किया गया। वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.2% दर्ज किया गया। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 4.32 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं देश में सबसे ज़्यादा अधिक 2,922 कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र में मिले हैं। यहां बीते दिन 1,392 लोग रिकवर हो चुके हैं। यहां एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 14,858 है। इससे पहले शनिवार को यहां 3,081 नए केस मिले थे। वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत शनिवार तक 195 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं शनिवार को शाम 7 बजे तक 11,00,000 वैक्सीन के डोज लगाए गए। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा मानी जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल भी नहीं होगी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पिछले 2 साल भी कोरोना के चलते नहीं हो पाई थी। हालांकि इस साल 12 जून को कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होनी थी, जो सितंबर के दूसरे सप्ताह तक चलती, लेकिन आखिर समय पर ये यात्रा रद्द कर दी गई। वहीं यात्रा कैंसिल करने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। इस यात्रा के कैंसिल होने से व्यापारी भी मायूस हुए। केदारनाथ पैदल मार्ग पर प्लास्टिक उन्मूलन के लिए जिला प्रशासन ने अनूठी पहल शुरू की है। प्रशासन ने एक सामाजिक संस्था के साथ पैदल मार्ग से धाम तक 65 दुकानों पर QR कोड वाली बोतल बंद पानी दिया गया, जहां यात्रियों से इन बोतलों की खरीद पर 10 रुपये अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। वहीं खाली बोतल वापस लाने पर यात्री को 10 रुपये लौटाए जा रहे हैं। साथ ही अगर यात्री बोतल को इधर उधर फेंक रहा है तो उसे एकत्रित करने वाले को 10 रुपये इनाम भी दिया जाएगा। बता दें कि इस अनूठी पहल से अभी तक कपाट खुलने के बाद से 3,000 खाली बोतलें एकत्रित हो गई हैं। इन बोतलों को जल्द रिसाइकिल के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि गौरीकुंड से केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग में प्लास्टिक उन्मूलन को लेकर प्रशासन विशेष अभियान चला रहा है। मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर भाजपा कार्यालय में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अजय टम्टा ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से गरीब जनता को मिल रहा है। कहा कि कोरोना काल में सरकार की चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं के कारण जनता सुरक्षित रही, वहीं सरकार गरीब कल्याण के लिए हमेशा तत्पर है। 20 जून तक सेवा समर्पण और गरीब कल्याण जो हमारा कार्यक्रम सरकार के 8 वर्ष का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ 30 मई को अपने देश के अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने और 31 मई को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ करा और 1 जून से लगातार 20 जून तक ये कार्यक्रम चलना है। इस कार्यक्रम के निमित्त आम जनता बिल्कुल प्रत्येक बूथ तक जो सरकार ने 8 वर्षों में बहुत सारे काम हमारे सरकार ने करा, जैसे हमारे सांसद जी ने अभी बताया, उन कामों को आम जनता तक पहुंचाना एक एक कार्यकर्ता का लक्ष्य रखा है। जिससे कार्यक्रम में 8 साल सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के आज का ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ और ये कार्यक्रम अब लगातार नीचे मंडल बूथ तक ही हमारे कार्यक्रम रहेंगे और 70 साल की आज़ादी के बाद
2014 से लेकर के अभी तक जो हमारे काम केंद्र सरकार के सहयोग से नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से जो अंतिम पंक्ति में वंचित समाज था जिसके पास 8 सालों में वो काम करके दिखाया है जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक जो है सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे। तो हर वर्ग के लिए हर समाज के लिए मोदी जी ने काम किया है और जनता ने उसे सराहा भी है और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई भी दे रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई क्राइम नहीं हुआ है, फिर भी विपक्षी दल के लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह से हथकंडे केंद्र सरकार अपना रही है जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र का राज है, लोकतंत्र में सत्ताधारी दल विपक्ष को सामान्य नजर से देखता है। इस मामले में नोटिस देकर लोकतंत्र की गरिमा को घटाने का प्रयास किया गया है। इससे हम नाराज हैं, बहुत दुखी हैं और हम इसके विरोध में पूरे देश में ईडी दफ्तरों का घेराव करेंगे। नोटिस और समरी का मतलब यह होता है कि भाई हमने किसी को एक मुद्दे को सुना है, उसने अपनी बात कही है, हम आपसे अब पूछना चाहते हैं कि क्या ये मुद्दे की बात ठीक है, तो आपको इस मुद्दे को क्रॉस एग्जामिन करने का और उसके विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिला। अभी उस स्टेज पे केस होगा, जब सुब्रमण्यम स्वामी साहब का क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था या स्टार्ट हुआ था, तो वो खुद हाईकोर्ट चले गए और दिल्ली हाईकोर्ट से उन्होंने प्रोसीडिंग्स को स्टे करा। एक बार फिर राजधानी वासियों को इस मेले का आनंद लेने का मौका मिला है। राजधानी में लगी प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त 12 राज्यों के हस्तशिल्पकारों को अपने उत्पाद का प्रदर्शन विक्रय करने का अवसर मिला है। जगार मेला में शिल्पकार कलाकार अपनी कला के बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिला है, उनके आर्थिक उन्नति में भी मददगार साबित हो रहा है। लोग इस मेले में आकर खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन इस मेले के शुभारंभ के अवसर में विभाग के मंत्री गुरु रुद्र कुमार नहीं पहुंचे थे। के कलाकार जो है इसमें भाग लिए हैं, अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और कोरोना काल में 2 साल बाद जो ये मेला लगा है, कोरोना काल के चलते छत्तीसगढ़ के जो रायपुरवासी हैं इस मेले का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन इस बार जागार मेले का आयोजन किया गया है और यह करीबन 10 दिन का मेला है। इस मेले में लोग आकर आनंद ले सकते हैं और सभी प्रकार के चीज़ें जो हस्तशिल्प का वह इसमें इसका आनंद ले सकते हैं। MK न्यूज चित्रपटल। जशपुर से रायपुर लौटे CM बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज राहुल गांधी की ईडी में पेशी है, दिल्ली दौरे पर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी CBI का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई बात नहीं है, इसमें ईडी का कोई काम नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है, नेशनल हेराल्ड के लिए लिया गया था पैसा, ये लड़ाई सत्ते की लड़ाई है, पहले पूर्वज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अब इनके खिलाफ लड़ेंगे। ईडी में पीसी है, PICC से हम लोग सब जाएंगे। ये ऐसा मसला है जो केंद्र सरकार विपक्षियों को ED, IT, CBI इन सब पे सबका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। नेशनल हेराल्ड को राशि दी गई थी कांग्रेस पार्टी, नेशनल हेराल्ड के बारे में जानते हैं, नेहरू जी ने स्थापित किया, सरदार पटेल, पंत जी, आचार्य जी, इन सब लोगों ने इसकी स्थापना की। आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ यह अखबार जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, उस अखबार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने उसे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह को जितना ईंट बजाना है बजा लें, क्या फर्क पड़ता है, सांच को आंच क्या। सरकार को बदनाम करने के लिए पुराने वीडियो डालकर अगर उसे 2022 का बताएंगे तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह से देश देश का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अगर वो अपराधी पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितना बजाना है बजा ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है।
सांच वाँच क्या। दूसरी बात यह है कि आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो बदनाम करने के लिए, अधिकारियों को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आप इस प्रकार का स्तंभ अपनाएंगे। आप IAS अधिकारी हैं, रहे हैं, ITS के एग्ज़ाम दिए हैं, कलेक्टर रहे हैं, और उसके बाद यह हथकंडा कि कोयला चोरी हो रहा, पुराने 2 साल पुराने वीडियो को आप डालेंगे और कहेंगे कि ये 2022 का है, तो सीधा सीधा ये तो अपराध की श्रेणी में आता है। और यदि सामान्य नागरिक हो तो पर भी कार्रवाई होती, और चूंकि वो और जिम्मेदार हैं, IAS अधिकारी रहे हैं, तो उसका तो अपराध और बड़ा होता है कि आप जानबूझ के प्रदेश में इस प्रकार से वातावरण बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश राज्यसभा सांसद विवेक तनखा छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने इस मामले को दोषपूर्ण कहा है। दरअसल विवेक तनखा मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य के साथ वह अच्छे वकील भी हैं। बता दें कि उन्होंने ईडी मामले को लेकर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में ईडी ऑफिस का घेराव करेगी। इस मामले पर राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा से MKN संवाददाता चित्रा पटेल ने सीधी बात की, आइए सुनते हैं। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा हमारे साथ मौजूद है। नेशनल हरिवंश में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस दिया गया है ईडी में, आप एक वकील हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये पूरी दोषपूर्ण कार्रवाई है, ये कार्रवाई हो ही नहीं सकती थी। कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई राउंड ट्रिपिंग नहीं है, PMLA अट्रैक्ट नहीं होता है। इसके बावजूद अगर आप कांग्रेस की शीर्ष लीडरशिप को नोटिस देना चाहते हो तो दो, वो आपके सामने आएंगे। आप जो चाहे करो, आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों? उन्होंने ऑफेंस कमिटी नहीं किया है, कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है। तो ये जो तरीका है BJP का, ये तरीका डराने का है, धमकाने का है। आप ये ओल्ड स्ट्रैटेजी हो गई है, BJP को बदलनी चाहिए स्ट्रैटेजी। अब लोग डरते नहीं है स्ट्रैटेजी से, इन्होंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है कई स्टेट्स में। अब लोग सब जगह इसका प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और अब BJP को एक एक करके हर स्टेट से भागा आउट कर रहे हैं। मोदी सरकार अचानक से हावी कैसे हो रही है कांग्रेस में? क्या कांग्रेस की रणनीति फेल है क्या? कांग्रेस की रणनीति फेल नहीं है, मोदी सरकार का फेलियर ही है। कोई गलत कार्रवाई करता है तो कांग्रेस का क्या फेलियर है? अरे जो कर रहा है उसका फेलियर है कि तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारे तरीके गलत हैं, तुम प्रजातांत्रिक हो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते हो, तुम अपनी इंस्टीट्यूशंस की डिवेल्युएशन कर रहे हो, तुमने अपने तुम ED, IT और CBI की बैसाखी पर चलने की तुम कोशिश करते हो। क्या ये पॉलिटिकल पार्टी है? कोई पॉलिटिकल पार्टी का इनके बैसाखियों पर चलती है? अरे पॉलिटिकल पार्टी को अपने पॉलिसी और प्रोग्राम्स में लोगों के बीच में जाना चाहिए। ये बहुत ही गलत हो रहा है देश में, प्रजातंत्र खतरे में है। विरोध कैसे जताएंगे आप? कल पूरे इंडिया में इसका विरोध जताया जाएगा। तो ये थे मध्य प्रदेश के सांसद विवेक तनखा। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ED ने नोटिस दिया है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार और पहले भारतीय प्रो कार्ड विजेता बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन इन दिनों नैनीताल की खूबसूरत वादियों में शूटिंग कर रहे हैं। इस दौरान वे लाल कुआं के जिम पहुंचे और युवाओं को फिटनेस के टिप्स दिए। बता दें कि वरिंदर सिंह घुमन मरजावा फिल्म के जरिए बॉलीवुड में पहला कदम रखा था, अब वे सलमान खान स्टारर Tiger 3 में नजर आएंगे। पहले तो मैं अपनी फैमिली के साथ आया था ऊपर रामगढ़ के लिए, शूट कर रहे थे यहाँ पे, और आशीष इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा छोटा भाई है जिसका जिम है बॉडी फिटनेस कंत्रा, तो आज यहाँ पे वर्कआउट करने का मौका मिला। और आप पीछे क्राउड देख सकते हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं बहुत इनको क्रेज़ है बॉडी बिल्डिंग का, हेल्थ एंड फिटनेस का, और मुझे कहीं ना कहीं अपना मेंटोर या आइकन मानते हैं, तो इस पर मैं बहुत प्राउड एंड ग्लैड फील करता हूँ। एंड या बॉडी फिटनेस लाइफ आज का लाइफस्टाइल बन चुकी है सबका, और होना भी चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने लाइफस्टाइल को ग्रूम कर सकते हैं। हमने नशे से दूर रहे और स्पेशली हमने सर को बुलाने का उद्देश्य ये था कि लोग मोटिवेट हों और देखें कि कितनी मेहनत लगती है ना, और यही हम लोग का मोटिव रहता है कि यार अच्छी से ट्रेनिंग दे बच्चों को और स्ट्रेंथ अच्छी खासी है अपने पास। करीब 100 मेम्बर हैं अपने, और कोशिश कर रहे हैं कि इससे बेटर करें और बॉडी बिल्डिंग फील्ड में अच्छा नाम करें।
रायपुर पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके चलते राजधानी में अलग अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए 24 किलो गांजे के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर पहले से हत्या जैसे संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। रायसेन जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने दो लोगों को नई जिंदगी दी है, जिसके बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हिप रिप्लेसमेंट जैसे जटिल ऑपरेशन को जिला अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स ने कर दिया। ऑपरेशन कराने वाले मरीज सुनील मालवीय ने कहा कि जिस ऑपरेशन के लिए दूसरी जगह लाखों रुपए लग रहे थे, उसे जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने फ्री में कर दिया। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर ए के शर्मा ने इसका श्रेय टीम को दिया। एक बहुत जटिल ऑपरेशन है और एक भोपाल स्तर के मेडिकल कॉलेज लेवल में संभव हो सकता है। कूल्हे की हड्डी बदली गई है और ये सामान्यतः ऑपरेशन अगर अपन प्राइवेट में कराने जाएं तो 4 से 5 लाख रुपए का इसमें खर्चा आता है, जो कि हमारे यहाँ आयुष्मान के अंतर्गत निःशुल्क किया गया है। हमारे यहाँ के ऑर्थोपेडिक विभाग के चिकित्सक डॉक्टर वैभव सिंघई, ओटी की टीम डॉक्टर अनिल होड साहब और उनकी टीम तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा इसका सफल दोनों ऑपरेशन किए गए और दोनों मरीज अभी स्वस्थ हैं। मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियां गिनवाने भाजपा अभियान चला रही है। इसी के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रैली निकाली, जिसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी शामिल रहे। रैली में युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, अध्यक्ष, महामंत्री और कार्य समिति के लोग मौजूद रहे। मोदी जी के शानदार कार्यकाल को लेकर के आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बिल्हा विधानसभा के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया और भव्य बाइक रैली आज सवेरे 10 बजे से निकाली गई और अभी 6 बजे उसका समापन हो रहा है। इसमें पूरे युवा मोर्चा के हमारे सभी मंडल के कार्यकर्ता, अध्यक्ष, महामंत्री और उनके सभी कार्य समिति और पदाधिकारी उपस्थित हुए। मोदी जी के शानदार कार्यकाल के बारे में गांव-गांव में जा करके उसको विस्तार से चर्चा किए और उसको बताए हैं और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। ग्वालियर पुलिस की साइबर सेल ने अधिकारियों के मार्गदर्शन में 2 महीने में 12,91,000 रुपए कीमत के 70 मोबाइल ढूंढ निकाले हैं, जिन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मोबाइल मालिकों को बुलाकर सुपुर्द किया गया। दरअसल पुलिस के द्वारा गुम हुए मोबाइल संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने साइबर सेल की टीम को लगाया था, जिस पर कई कंपनियों के गुम हुए मोबाइल को ट्रेस कर बरामद किया गया। साइबर सेल की टीम ने अप्रैल से मई 2022 में कई कंपनियों के लगभग 12,91,000 रुपए कीमत के 70 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनको पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने मोबाइल मालिकों को सौंपा। ऐसा आप सभी को मालूम है कि आजकल मोबाइल गुमना बड़ा फ्रीक्वेंट होता जा रहा है और हमारे विभिन्न थानों में, साइबर सेल में, क्राइम ब्रांच में प्रतिदिन मोबाइल गुमने की शिकायतें आती रहती हैं और हम लगातार अभियान चला रहे हैं कि जो खोया हुआ मोबाइल है उसको हम तत्परता से खोजें और उसके ओरिजिनल धारक को उसको प्रदाय करें। अभी कुछ ही दिन पहले हमने लगभग 100 से ज़्यादा मोबाइल इसी प्रकार खोए हुए बांटे थे और आज भी लगभग 70 मोबाइल जो कि 13 लाख रुपये कीमत के हैं, ये हमने उनके ओरिजिनल मालिकों को लौटाए हैं। ग्वालियर में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता की शादी 1 महीने पहले हुई थी, तब से ही उसके और पति के बीच आए दिन विवाद हो रहा था। नवविवाहिता की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी क्योंकि वह किसी और को पसंद करती थी। जिस वक्त महिला ने फांसी लगाई, उसका पति घर से बाहर गया हुआ था। पूरा मामला इंदरगंज थाने का है, जहाँ राम कुमार बरैया की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। रामकुमार बरैया की शादी मुरैना के टेंट्रा में रहने वाली नेहा से हुई थी। वहीं शादी के कुछ टाइम बाद ही नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में फंसे राहुल को बचाने की जद्दोजहद पिछले 42 घंटे से जारी है। 10 साल का ये बच्चा करीब 44 घंटे से 50 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। वहीं दीवारों से रिस रहा पानी बोरवेल के अंदर भर गया है, उसे निकालने का काम जारी है। खास बात यह है कि बोरवेल में गिरा राहुल अब खुद बाल्टी से पानी भरने में मदद कर रहा है। वहीं बच्चे की इस कोशिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों की
उम्मीदें बना रखी हैं। उसे बचाने के लिए गुजरात से रोबोटिक्स इंजीनियर महेश अहीर मौके पर पहुंच गए। महेश ने अपने लैपटॉप से रोबोट को कंट्रोल कर नीचे उतारा, लेकिन उसे फिर बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने कहा कि रोबोट से मिली जानकारी के अनुसार बच्चे को बाहर निकालने के लिए तैयारी की जाएगी। बताने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रात भर राहुल की रेस्क्यू की जानकारी लेते रहे। उत्तराखंड में 1 जुलाई से 75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरे प्रदेश में चल रही हैं। इस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय व शहरी विकास विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। वहीं विभाग के जारी निर्देश के तहत आगामी 1 जुलाई से प्लास्टिक के स्ट्रॉ, चम्मच, प्लेट, थर्माकोल और थर्माकोल से बनी चीजों पर प्रतिबंध लगेगा। वहीं इस संबंध में निदेशालय द्वारा दिशा निर्देश के तौर पर सभी निकायों को एक पत्र भी भेजा गया है। बता दें कि अभी तक उत्तराखंड के 13 निकायों की तरफ से 75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में जहां एक तरफ चार धाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। वहीं यात्रा को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चार धाम यात्रा के बाद आगामी शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि सभी तैयारियां करने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं और आने वाले सभी कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जाएगी। कोविड के कारण 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मौसम के अचानक बदलाव और बूंदाबांदी होने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इसी क्रम में भीषण गर्मी के चलते टनकपुर में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाओं ने आम जनमानस को राहत पहुँचाई। आपत्तिजनक पोस्ट और बढ़ते अपराध पर लगाम कसने अब राजधानी पुलिस की नज़र सीसीटीवी व सोशल मीडिया पर होगी। मामले को लेकर रायपुर एसपी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सीसीटीवी नहीं लगा है, उन क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाया जाएगा। अगर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट करते हुए पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी थोड़ी बढ़ाई गई है। कुछ कुछ आपत्तिजनक पोस्ट कुछ दिनों में हुए हैं, उसको लेकर के भी पुलिस और सोशल मीडिया से एक्टिव हैं। कई सारी ऐसे पोस्ट हम लोगों ने डाउन भी कराए हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक भी कराई हैं कुछ आईडीज, और उसको लेकर के आप लोगों के माध्यम से भी अपील है, ऐसी कोई पोस्ट ना करें जिससे किसी को आपत्ति हो, आपत्तिजनक हो, किसी को शोभकारित होता हो, किसी को परेशानी होती, तो ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट से बचें, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर उसमें कार्रवाई भी होगी। माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई सुगम और सरल बनाने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि 3 साल से लेकर 9 साल तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आसानी से लिखना और पढ़ना सिखाया जा सके। डीपीसी चंद्रभान तिवारी ने बताया कि ये ट्रेनिंग खासकर पहली और दूसरी के बच्चों को पढ़ाने वाले बच्चों को दी जा रही है, जिसमें कुल 81 शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये कक्षा 1 और 2 पढ़ाने वाले शिक्षकों का FLL प्रशिक्षण है। इसके पहले इन शिक्षकों को ऑनलाइन भी 12 प्रशिक्षण दिए गए थे, अब ये ऑफलाइन प्रशिक्षण है 5 दिवस के लिए। ये सांची विकास खंड के अंतर्गत ये 5वें चरण का 2रा दिवस का प्रशिक्षण है। इसमें 81 प्राथमिक शिक्षक इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक अक्षर ज्ञान, संख्या ज्ञान का किस तरह से इनको ज्ञान कराया जाना है, उस संबंध में टीचर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि 3 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चे खर्राटेदार हिंदी भाषा और संख्या ज्ञान के बारे में जाने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MK News। नमस्कार।